अगर आप पहले से ही वीजा या फिर मास्टर नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अब आप उसके जरिए यूपीआई पेमेंट भी कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई बैंकें हैं जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें पहला नाम है HDFC बैंक, दूसरा बैंक जो है ICICI। कल मैं गेट टूगेदर में गया था जहां पर हम पुराने से पुराने दोस्तों का मुलाकात हुआ, तो उनमें से ना मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार मैंने ना बहुत बार ट्राई किया रुपए नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड लेने का, बट मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसके जरिए जो मेरे पास पहले से क्रेडिट कार्ड है, लाइक वीजा वाला क्रेडिट कार्ड या मास्टर वाला क्रेडिट कार्ड, उसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट कर पाए? तो वहां पर मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होंगे जिनके पास में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है बैंक का, यानी वीजा नेटवर्क वाला या मास्टर नेटवर्क वाला, बट उनको रुपए नेटवर्क का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि उस बैंक को अगर वो अप्लाई करे, अप्रोच करे रुपए नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड लेने का, तो उनको आसानी से अप्रूवल मिल जाए? तो मैंने जो उसको बात बताई वही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हाँ, इसका ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप पहले से ही वीजा या फिर मास्टर नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो अब आप उसके जरिए यूपीआई पेमेंट भी कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, बट एक मेथड यूज करेंगे जिसके बाद में आपको एक और कार्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप ये पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या मैंने उसके साथ में बातें शेयर की थी और वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। देखिए, अभी तक ये जो ऑप्शन है, यानी यूपीआई के साथ में लिंक करके पेमेंट करने का जो ऑप्शन है, सिर्फ एक ही नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड में आया, वो है रुपए नेटवर्क वाले। दूसरे नेटवर्क वाले ऑप्शन अभी इस चीज को अडॉप्ट नहीं किया है या उनको अभी इसका लाइसेंस ही नहीं मिला है। बट इसमें बैंक जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रही है कि जिसके पास में पहले से कोई मास्टर या फिर वीजा नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड है, वो एक रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड ले सकती है। और कुछ दिन पहले ये भी अपडेट आया था कि आप उसी क्रेडिट कार्ड को ही स्विच करवा सकते हैं, लेकिन स्विच करने वाला जो ऑप्शन है ना, बहुत कम बैंकें प्रोवाइड कर रही है, सभी को उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में इन कुछ बैंकों का, जो मैं यहां पर लिस्ट दिखा रहा हूं, इनमें से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो इसको बेसिस पर आप एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बहुत सारे बैंक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रही हैं और कुछ बैंकें जो है, इन्हीं में से कुछ बैंकें जो है आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड भी दे रही है। तो दोनों ही आपके लिए बेटर है। वर्चुअल कार्ड है तो भी आप उसके जरिए ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और फिजिकल कार्ड आ जाए तब तो और भी बढ़िया बात है। सो कौन से ये बैंकें हैं उनके बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी ऑफर या अपडेट की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है जिससे आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी नए ऑफर या अपडेट आते हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पर पोस्ट कर देते हैं, तो मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कौन कौन से बैंक है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस आपको बता दूं कि ये किसको अप्रूवल मिल सकता है। सो देखिए, यहां पर कंडीशन यही है कि आपके पास में उस बैंक का किसी भी नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड जरूर से होना चाहिए, यानी वीजा नेटवर्क वाला है या मास्टर नेटवर्क वाला है, कम से कम एक क्रेडिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, तभी आप उस बैंक का रुपए नेटवर्क वाला जो वर्चुअल कार्ड है उसका अप्रूवल ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त के पास में HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो कि वीजा नेटवर्क के साथ में था, तो मैंने वहां पर एट अ टाइम ही उसका एक वर्चुअल कार्ड अप्लाई कर दिया, जिसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि आप HDFC बैंक के एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो आप उसके बेसिस पर रुपए नेटवर्क वाला क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी अप्लाई प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो प्राइवेट में वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी कई बैंकें हैं जो कि इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें पहला नाम है HDFC बैंक, दूसरा बैंक जो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का भी जो क्रेडिट कार्ड है कोरल वाला, वो इजीली अप्रूव हो जाता है आपके पहले वाले क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट। तीसरा जो बैंक है येस बैंक, चौथा जो बैंक है फेडरल बैंक, और पांचवा बैंक जो है IDFC फर्स्ट बैंक, छठा बैंक जो है BOB बैंक। ये सारे बैंक जो है अभी आपको रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड आसानी से दे रहे हैं, अगर आप इनके पहले से वीजा या फिर मास्टर नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो देर किस बात की, जाइए और अभी आप अपने ऑफर को चेक कीजिए। कैसे ऑफर चेक करना है इनके ऊपर भी हम वीडियोस पहले से बना चुके हैं। तो आपके पास में जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आप YouTube को ओपन कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए। एग्जांपल के लिए आपको HDFC बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है, तो यहां पर सर्च करेंगे HDFC बैंक रुपए क्रेडिट कार्ड, लास्ट में अपने KNR गुरु टाइप करके सर्च कर देना है, तो आपको मेरा वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज यहां पर जरूर से आपको मिलेगा कि आपको जो लिमिट है ना, सेपरेट नहीं मिलेगा,
शेयर करके मिलेगा। यानी आपके पास में जिस भी बैंक आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो उस बैंक का जो भी प्राइमरी कार्ड है आपके पास में उसकी जो लिमिट होगी उसी लिमिट को आपको इस वर्चुअल रुपए क्रेडिट कार्ड में शेयर करके दिया जाएगा। बट इसमें आपको फायदा एक अलग से मिल जाएगा, वो ये कि आप दोनों कार्ड से खर्च करोगे, जैसे कि वीजा में जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो खर्च करने पर कैशबैक वगैरह या फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी आपको अलग से मिलेगा। तो आप अभी किस बैंक के रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही आपको इन बैंकों के रुपए नेटवर्क वाले क्रेडिट कार्ड भी अगर अप्लाई करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।